पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अदालत ने अर्पिता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अब प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच का विस्तार कर रहा है और ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस घोटाले में कितने बड़े बड़े नाम और लोग शामिल हैं। ये सिर्फ नोटों का जखीरा नहीं है, अर्पिता मुखर्जी की मुसीबतों का पूरा बही खाता है। ये सिर्फ रुपयों का अंबार नहीं है, आफत का वो पहाड़ है जिससे अर्पिता मुखर्जी घिर गई है। जांच एजेंसी नोटों के ढेर, ममता सरकार के मंत्री अर्पिता मुखर्जी और करप्शन की कड़ियां जुड़ रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आई अर्पिता अब कानून की दुहाई दे रही है। कोलकाता की अदालत में पेशी से पहले अर्पिता का मेडिकल चेकअप हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता से ईडी ने सारे राज उगलवाना चाहती है, जिसके दम पर बंगाल में शिक्षा घोटाले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पर सियासी लड़ाई भी तेज हो रही है। बीजेपी इस संपत्ति को बंगाल सरकार में करप्शन से जोड़ रही है और इस बहाने ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। बार बार बोल रहे कि हजार हजार करोड़ का ये स्कैम है, एसएससी का जो स्कैम है, तो वह शुरुआत है और बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अभी तो दो तीन लोगों का नाम आए हैं, इसका पूरा जांच होना चाहिए। कहाँ से पैसा, कहाँ से किसके पास से, पार्थ चटर्जी के पास में पैसा आया और यहाँ से कहाँ तक गया, ये तो हम लोग को ईडी को देखना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और इसमें तो पार्थ चटर्जी एक फिश, छोटा फिश है, मगरमच्छ तो अभी बाकी है। इन सियासी हमलों के बीच अर्पिता मुखर्जी के घर से क्या क्या बरामद हुआ, उसका पूरा हिसाब देखिए। 21 करोड़ से ज्यादा कैश, 54 लाख से ज्यादा विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जो अर्पिता मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मंच साझा करती थी, जिसकी ममता बनर्जी ने खुद तारीफ की थी, उससे तो टीएमसी ने एक झटके में किनारा कर लिया, लेकिन अपने सबसे करीबी मंत्री को लेकर ममता पशुपेश में है। यही वजह कि बात बात पर प्रतिक्रिया देने वाली ममता इस मुद्दे पर खामोश है, इसकी वजह भी है। कहा जा रहा है कि पार्थ को पार्टी में एक राय नहीं है। सीनियर नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ चटर्जी के बचाव में आ गया है, क्योंकि उन पर कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा, जबकि युवा नेता चाहते हैं कि पार्टी पार्थ से किनारा कर ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो। भ्रष्टाचार का ये खेल 2016 में शिक्षक भर्ती के नाम पर हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के दखल के बाद परतें खुलने शुरू हुई। बीजेपी का आरोप है कि लूट खसोट के इस खेल की असल खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ममता है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता तो बस सिर्फ प्यादे हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।